Hello students, so in my last video I discussed with you about motion, about rest, speed, velocity and acceleration along with different type of speed and velocity, जिसमें हमने देखा था कि एवरेज स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस होती है, यूनिफॉर्म होती है और साथ में वेरिएबल होती है, करेक्ट। आज उस पर हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों को न्यूमेरिकल सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है न्यूमेरिकल्स में, वो आपको टफ बहुत लगता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल है मतलब टफ है, बट इट कैन बी मेड इजी अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बिगनिंग ऑफ द मतलब चैप्टर के बेस से स्टार्ट करें और पहले बेसिक न्यूमेरिकल ही करें, डोंट गो फॉर हायर ऑर्डर, ओके। तो जैसे मैं कुछ आपको आज बेसिक न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराऊंगी जो सिर्फ मोशन पर बेस्ड है, ओके। अब आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पढ़ा है, तो उसी पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में एक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज राइट द गिवन थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू थिंक कि उससे रिलेटेड हमने क्या फॉर्मूलेस पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप लिंक मिलता जाएगा। आपको मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ और डायरेक्ट आपके पास में गिवन थिंग्स लिखती हूँ, ओके। तो जब क्वेश्चन रीड करूँ तो प्लीज हियर वेरी क्लियरली कि मैंने क्या बोला और क्या मैं करना चाह रही हूँ। तो आई एम गोइंग टू स्टडी अ मोशन ऑफ अ बॉल। एक बॉल है जो इनिशियली ए पर थी और वो रोल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो इस तरीके से रोल करके बी पर पहुंची और ए से बी का डिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सेट दैट इट इज ऑफ 10 मीटर, ओके। एंड देन इट वाज अनदर पॉइंट सेड सी, इन दोनों के बीच में एक और पॉइंट मेंशन किया गया है सी, जिसमें हमको ये बताया गया है कि जो बी सी का डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। सो क्वेश्चन वाज सेइंग दैट स्टडीइंग द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दिस फिगर वॉज शोन टू यू, नाउ फाइंड। पहला क्या फाइंड क्या क्या करना है, सो यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन दी है कि वेन बॉल रोल फ्रॉम ए टू बी एंड देन टू सी, यानी पहले बॉल कहां से गई है, ए टू बी गई है एंड देन इट वेंट्स टू सी। एंड सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑल्सो, डिस्टेंस के लिए भी वही कंडीशन दी है कि ए टू बी जाएगी एंड देन सी आएगी, करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया गया है, वो बहुत क्लियरली मैंने कहा ना, लिख के समझिए आप कि डिस्प्लेसमेंट आपको पहले बॉल कहां से कहां गई है, ए से बी रोल करी है एंड देन सी गई है, एंड डिस्टेंस जब वो ए से बी गई है और सी है। और तीसरा उसमें टॉपिक पूछा गया है, द थर्ड पॉइंट इज कि इफ द बॉल फाइनली कम बैक टू ए, अगर वापस फाइनली ए पर आ जाए देन व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इस केस पर भी हमको दोनों ही चीजें निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है एंड डिस्टेंस भी निकालना है, ओके। तो आई थिंक ये गिवन चीजें जो मैंने क्वेश्चन पढ़ के लिखी है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। बॉल ए से बी रोल कर रही है, वापस सी तक आ रही है, लेकिन मुझे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर डिस्टेंस निकालना है और फाइनली बॉल ए से बी वापस, सॉरी बी से ए वापस आ जाए, तो मुझे दोनों ही चीज निकालनी की व्हाट विल बी डिस्टेंस, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। चलिए अब पहले तो दिमाग में रखिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एज सच हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, यानी जो जहां से जहां तक के आपकी दूरी कवर होगी वो एक्चुअल है, और जो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी डायरेक्शनल क्वांटिटी है। बस हम यही दो चीज हमने पढ़ी है और हम जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फर्स्ट केस हम पहले सॉल्व करेंगे जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने कहा कि पहले बॉडी कहां से कहां गई है, ए से बी गई है, है ना, ए से बी गई है और फिर बी से सी एंड देन टू सी, है ना, यानी वो ए से बी आपका जो होगा ए बी होगा एंड देन बी टू सी, मतलब वो उल्टा लौटती है बॉल, तो डायरेक्शनल है ना। तो अगर ए से बी है तो आई हैव टू राइट ए बी जो उसने कवर किया, और माइनस मुझे करना पड़ेगा बी सी क्योंकि वो उल्टा आई है वापस, तो मतलब कवर्ड डिस्टेंस का, सॉरी कवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितने का है, कवर्ड डिस्प्लेसमेंट एसी का होगा, यानी हमको मिलेगा 10 माइनस 2 यानी 8 मीटर,
तो ये हमने कहा कि जब बॉल ए से बी गई और बी से वापस सी आती है तो वो 10-2, क्योंकि ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है, यानी सी इज योर फाइनल, तो आपको इनिशियल माइनस फाइनल करके निकालना है। लेकिन उसी केस में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस में तो एक्चुअल पाथ होता है, तो अगर मैं इसी पोजीशन पर डिस्टेंस बोलूं तो मुझे ए से बी प्लस बी से सी करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल बॉल ने कितना कवर किया है, 10+2 किया है, यानी 12 meters, ये टोटल डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं जो सेकंड हमारा था कि ये सेकंड पार्ट था हमारा, थर्ड पार्ट हमारा ये था कि हमें फाइनली डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वापस ए पर आ जाए। तो अगेन मैं वही बोलूंगी, डायरेक्शनल क्वांटिटी है, ए से वो बी गई और बी से वापस आई, तो इनिशियल और फाइनल ए ही है, यानी 10-10 तो 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो ए से बी पहले गया जिसमें बॉल ने 10 meters कवर किया, और फिर बी से ए आया तो फिर 10 किया, यानी डिस्टेंस हो जाएगा 10+10 20। तो आई होप ये थर्ड वाला भी टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा 10-10 0, क्योंकि वापस इनिशियल पोजिशन पे आए हैं हम, और डिस्टेंस जो है वो हमारा 10+10 होगा, यानी 20 meters, क्योंकि हमने क्या किया है, टोटल एक्चुअल पाथ ए से बी कवर किया और फिर बी से ए कवर किया, यानी इस केस में हम ए बी प्लस बी ए करेंगे तो हमारा आएगा 20 meters। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, फर्स्ट गिवन थिंग्स, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव स्टडीड, क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें, एंड देन यू सॉल्व अकॉर्डिंगली। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बॉय इज मूविंग 3 meters टूवर्ड्स ईस्ट। चलिए जब भी डायरेक्शन की बात आती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप इस तरीके का एक बनाने की बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, सबसे पहले ये बना लीजिए। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हर एक लाइन आपको कुछ बताती है क्वेश्चन के बारे में, तो रीड इट वंस ट्वाइस थ्राइस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ओके, तो एक बॉय है जो 3 meters टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, यानी अगर मैं ये ओ लेती हूँ तो वो यहां तक अगर बॉय पहुंचा है तो कितना पहुंचा है, 3 meters पहुंचा है। ओके, देन ही टर्न टू मूव 4 meters टूवर्ड्स नॉर्थ। फिर जैसे ही वो लड़का यहाँ आया वो 4 meters ऊपर चला गया, क्योंकि वो नॉर्थ के तरफ जा रहा है ना, तो 4 meters नॉर्थ निकल गया। नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। सी नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑल्सो एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। तो जब वो ओ से ए आया है और ए से बी गया है, तो अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है टोटल पाथ, तो पहले वो ए से, अगर मैं डिस्टेंस की बात कहूं तो पहले बच्चा ओ से ए गया है और फिर उसके बाद उसने ए से बी ट्रेवल किया है, इतना ही किया है ना, तो इसका मतलब वो टोटल कितना कर रहा है, 3+4 यानी 7 meters कर रहा है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डायरेक्शनल क्वांटिटी है जो हमारी, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मुझे उसका इनिशियल एंड फाइनल बस देखना है, तो इनिशियल उसका ओ था और फाइनल उसका बी था, यानी मुझे ओ बी निकालना है। ठीक है ना, तो अगर मैं ओ बी चाहती हूं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से ही मुझे मतलब है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूं। आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना, हाइट और हाइट का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपो स्क्वायर, तो ओ बी होगा इन दोनों का अंडर रूट, करेक्ट। तो अब अंडर रूट का मतलब ओ ए कितना है, 3 square plus 4 square, 3 square का मतलब हुआ आपका 9 plus 4 is 16, यानी अंडर रूट 25, आंसर इज 5 meters, करेक्ट। तो जब मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की तो मुझे ओरिजिन से देखना है, लेकिन जब मैंने डिस्टेंस की बात की तो मुझे बस टोटल उसका पाथ कवर कर लेना है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 kilometers ऑफ 120 kilometers ट्रैक विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 kilometers पर आवर।
सी जो हमारा ट्रेन जो ट्रैवल कर रही है उसका टोटल ट्रैक कितना है, जो वो टोटल ट्रैक हमको बता रहा है वो 120 किलोमीटर का है ना। तो अ ट्रेन ट्रैवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर, यानी पहला 30 किलोमीटर जो है, यानी फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है वो ट्रेन किस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, स्पीड भी दी हुई है हमको 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ट्रेन ट्रैवल फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक। अब जब उसने रिमेनिंग डिस्टेंस की बात करी है आपको, तो इसका मतलब ये पता होना चाहिए कि कितना रिमेनिंग है ना। तो वो पूछ रहा है कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो कवर करे विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स आई वॉन्ट दैट वॉट शुड बी द स्पीड, है ना। मुझे निकालना तो वी है, स्पीड निकालना है कब, जब मुझे बताया गया है कि उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है ना। एंड फॉर व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक सो दैट इट्स एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना हर एक लाइन क्वेश्चन की कुछ कहती है, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिख लिया। अब गिवन लिखने के बाद यू हैव टू थिंक कि हमने पढ़ा क्या है। हमने सिर्फ एवरेज स्पीड पढ़ी है, तो जो पढ़ा होता है उसके पहले सबसे पहली पॉइंट है उसका फॉर्मूला लिखिए। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस तो हम जानते हैं जितना ट्रैक है उतना ही है, वो तो हमें 120 दिया हुआ है। एवरेज स्पीड भी हमें दी हुई है, मतलब पता क्या नहीं है हमें, हमें टोटल टाइम नहीं मालूम है। लेकिन ट्रेन दो भाग में कवर कर रही है ना, उसने कहा फर्स्ट उसने 30 किलोमीटर कवर किया है, तो हम टाइम को T1 और T2 ले सकते हैं। तो क्या हम इसी फॉर्मूले को कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 60 इज इक्वल टू 120 बाय T1 प्लस T2, कैन आई राइट। मैं अपनी गिवन थिंग से इतना तो फॉर्मूला फ्रेम कर सकती हूँ। आई होप यू आर एग्री विद दिस। अब अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम और डिस्टेंस, क्योंकि और स्पीड, ये तीन चीजें हमें जो मिली हुई हैं उस पर भी हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है जो हम जानते हैं, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एग्रीड। लेकिन मुझे टाइम चाहिए ना, तो मैं टाइम के लिए कहूंगी कि लेट T1 इज द टाइम। T1 कब का टाइम है मेरा, फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर। देखिए, अगर आपका सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की कोशिश मत करिए, सिस्टम ऑफ यूनिट सेम होना चाहिए। लेकिन अगर कन्वर्ट करना भी है तो आप इस बात को याद रखिए कि जो किलोमीटर पर आवर होता है अगर उसको आपको करना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड से आप जब 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। लेकिन अभी मेरा सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो आई डोंट नीड टू कन्वर्ट इट, ऐसे ही हम चला सकते हैं। चलिए, तो अब हमारा 30 किलोमीटर के लिए अगर टाइम T1 है तो व्हाट विल बी T1, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, सी फर्स्ट 30 के लिए हमारे पास स्पीड दी हुई थी ना, वो भी 30 थी, तो वो भी हमारा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसका मतलब 30 और 30 कैंसिल होके हमको क्या मिला, 1 आवर मिल गया। तो T1 तो हमारे पास है। अब व्हाट विल बी द रिमेनिंग किलोमीटर लेफ्ट, रिमेनिंग किलोमीटर जो हमारा बचा हुआ है वो क्या है, उसके लिए टाइम T2 अरेंज कर लीजिए। लेट T2 बी द टाइम फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस आपका कितना बच रहा है, 120 का आपका ट्रैक है जिसमें आपने 30 कर लिया, यानी बचा कितना, 90 बचा है, ठीक है। लेकिन हम स्पीड नहीं जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन V, कह सकते हैं ना, क्योंकि यहां हमें मालूम नहीं है और यही वी तो हमें निकालना है कि वो उसने कवर कितने में किया है। अभी क्लियर होगी बात, आपको T1 1 मिल गया है, T2 90 बाय V मिल गया है, तो हम पुटअप करेंगे 60 इज इक्वल टू 120 बाय 1 प्लस 90 बाय V,
है ना। इसमें आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ जीरो काट सकते हैं, सिक्स वन जा सिक्स टू जा ट्वेल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वन प्लस नाइन्टी बाय वी इज इक्वल टू आपका टू हो जाएगा, है ना। तो वन प्लस नाइन्टी बाय वी इज इक्वल टू टू हुआ, तो यहां से नाइन्टी बाय वी कितना हुआ, इट्स टू माइनस वन यानी वन हुआ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इज इक्वल टू डायरेक्ट आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। मैं सिर्फ आपको पैटर्न बताना चाह रही हूं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको कैसे स्टेप्स लेने हैं। नाउ माय नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सेइंग दैट वन बॉय इज ड्राइविंग हिज कार विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड गोइंग टू द कॉलेज। तो अब आपको स्पीड दी हुई है कि स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड है आपकी, आप वी से डिनोट कर सकते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर दी हुई है व्हाइल गोइंग टू द कॉलेज, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न टू हिज होम इन द सेम रूट ही अप्लाइड हिज स्पीड ऑफ द कार इज 30 किलोमीटर, यानी जब वो जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, जब वो लौट के आ रहा था तो उसकी स्पीड डिफरेंट हो गई, कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं बोलूं ये आपका V1 है तो V2 जो लौटते समय की है वो कितनी हो गई है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। वेरी सिंपल, व्हाट इज द एवरेज स्पीड द क्वेश्चन वॉन्ट्स टू फाइंड आउट। अगेन आई विल टेल यू, सबसे पहले गिवन थिंग्स के बाद जो आपको निकालना है उससे रिलेटेड फॉर्मूला सोचिए। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या हमें पता है क्या हमें नहीं पता है। हमें डिस्टेंस भी नहीं पता है, हमें सिर्फ स्पीड पता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है वो एस डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि कॉलेज तक जा रहा है S और कॉलेज से वापस आ रहा है तो भी S, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल S, अगर वो डिस्टेंस ले रहा है तो S डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है जाते समय और S ही डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है आते समय, तो उसका टोटल डिस्टेंस तो कितना हो गया, 2S हो गया, एग्रीड। लेकिन अब हमें टाइम भी नहीं पता है, तो अभी हमने देखा था कि टाइम अगर हम T1 ले लेते हैं फॉर द जर्नी व्हेन ही गोज टू द कॉलेज, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि उसका डिस्टेंस तो ऐसी है कॉलेज तक जा रहा है एस दूरी पर और टाइम उसने स्पीड उसकी 20 किलोमीटर पर आवर थी। तो दिस इज माई फर्स्ट टाइम, जब वो वापस लौट रहा है तो टाइम उसका T2 हो गया, डिस्टेंस तो वो घर से, जब घर से कॉलेज जा रहा है या कॉलेज से घर आ रहा है तो डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल करेगा ना, लेकिन हाँ स्पीड उसकी बदल गई है। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहले मैं टोटल टाइम निकाल लेती हूँ, तो T1 प्लस T2 यानी S बाय 20 प्लस S बाय 30, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा S बाय 12 आवर, एग्रीड। अब हमारे पास टोटल टाइम है टोटल डिस्टेंस है तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय S बाय 12, है ना, 12 ऊपर चला जाएगा तो 2S बाय S इंटू 12, S आपका कैंसल हो गया यानी इट इज 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको कुछ एवरेज स्पीड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं आपको फर्दर और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके बताऊंगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड गिव मी द कमेंट वेदर यू फर्दर वॉन्ट सम मोर वीडियोज ऑन द न्यूमेरिकल और नॉट। थैंक यू।